अबॉर्शन का प्रोसेस आपने टैबलेट ली है 4, उसके बाद अगर पेन हो तो आप क्या पेन किलर खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। मेफ्टाल स्पास जो आप नॉर्मल पीरियड्स के टाइम पे यूज़ करते हो, ड्रॉटावेरन मेफ्टाल इनका कॉम्बिनेशन भी आता है मार्केट में, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। उसका अबॉर्शन की प्रक्रिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो इनफैक्ट आपके जो अनुभव है उसको सुखदायी बनाती है। आपको पेन बियर इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है कि दर्द होगा तो ही अबॉर्शन कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में भी टाइम को निकाल सकते हो। आप टैबलेट लीजिए, जो भी आपको उल्टी की दवाई मतलब उल्टी हो रही है तो आप उसके लिए भी आप गोली ले सकते हैं, पेन हो रहा है तो उसके लिए भी ले सकते हैं, इसका अबॉर्शन प्रोसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टी के लिए ये रहता है कि जो मीसोप्रोस्टोल के जो 4 टैबलेट्स हैं उसके बाद हल्का फुल्का बुखार, उल्टी, दस्त, ये जो भी नॉर्मली होता है और ये टैबलेट का जैसे इफ़ेक्ट जाता है बॉडी से तो ये भी सबसाइड हो जाता है, तो इनके लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है। स्टिल अगर आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग है, कुछ और दिक्कत है, बुखार बना हुआ है तो आप ले सकते हो, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके अबॉर्शन प्रोसेस पर।